नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मंत्रिमंडल की उपसमिति ने लिया बड़ा फैसला, सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाएंगे नायब तहसीलदार के 50-50% पद। राजस्व उपरीक्षक संग्रह अमीन और कानून गो को भी मिलेगा लाभ। पौड़ी में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 साल से अनुपस्थित चल रहे 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त, अन्य अनुपस्थित शिक्षकों पर भी गिर सकती है गाज। केदारनाथ हवाई सेवा के लिए जीएमवीएन के वेब पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू। पर्यटन परिषद करा रहा फोटो प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा 50,000 का नकद पुरस्कार। और मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर टिहरी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, आपदा प्रबंधन को लेकर दी जाएगी जानकारी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को कारगर बनाने पर जोर। और अब खबरें विस्तार से। मंत्रिमंडल की उपसमिति ने नायब तहसीलदार के 50% पद सीधी भर्ती और शेष 50% पद पदोन्नति से भरे जाने का निर्णय लिया है। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में विधानसभा में आयोजित बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मंत्रिमंडल की उपसमिति ने तय किया कि नायब तहसीलदार के 50% पद सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति से भरे जाएंगे। राजस्व निरीक्षक के 32%, 12% रजिस्ट्रार कानून गो और 6% पद संग्रह अमीनों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उपसमिति के निर्णयों का क्रियान्वयन जल्द करने के निर्देश दिए। लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पौड़ी में शिक्षा विभाग ने 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। इसे शिक्षा विभाग का बड़ा कदम माना जा रहा है। अपर निदेशक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिश ने बताया कि लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे ऐसे शिक्षक, जिनके कारण विद्यालय में पद रिक्ति नहीं माना जा रहा था, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इन शिक्षकों के कारण विद्यालय में नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, जिसका असर संबंधित विद्यालयों में पठन पाठन पर पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है, उनके स्थान पर जल्द नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हमारे गढ़वाल मंडल में कुछ शिक्षक काफ़ी वर्षों से लगातार एब्सेंट चल रहे हैं, और उनके एब्सेंट रहने से एक तो हम वहाँ पर पद रिक्त नहीं मान करके नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, और नियुक्ति न होने से बच्चों की शिक्षा का अधिकार का हनन हो रहा है। तो हमने जो नियमावली के अनुसार 5 साल से अधिक जो नियमित रूप से एब्सेंट हैं, उनमें से 10 शिक्षकों को हमने आज सेवा समाप्त उनकी कर दी है, और इस बात के जो है आदेश जारी कर दिए हैं। नई दिल्ली के सिरी फोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण सचिव अमित खरे ने ऑस्कर प्रेसिडेंट जॉन बेली का स्वागत किया। ऑस्कर अकादमी ने अमेरिका और यूके के बाद मुंबई में ऑस्कर अकादमी खोलने जा रही है। इसको लेकर सूचना प्रसारण सचिव ने कहा कि ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए शानदार मौका है। अमित खरे ने कहा कि हमारे देश में केवल मुंबई, दिल्ली या दूसरे मेट्रो शहरों में ही टैलेंट नहीं है, देश के छोटे छोटे राज्यों में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान छोटी छोटी फिल्म
इंडस्ट्री पर है, राज्यों की संस्कृति और उन राज्यों के कलाकारों को प्रमोट करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। जॉन वैली ने बताया कि ऑस्कर अकादमी अमेरिका और यूके के बाद दुनिया में अपना तीसरा कार्यालय मुंबई में खोलने जा रही है। इसके जरिए भारत में फिल्म इंडस्ट्री के प्रमोशन की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। ऑस्कर प्रेसिडेंट जॉन वैली अपनी पत्नी कैरल लिटिलटन के साथ भारत आए हैं। जॉन वैली ने एक दिन पहले ही ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने कहा कि ताज देखकर उनका सपना पूरा हो गया। The regional industry, somehow we are more focused on the larger industry at Mumbai or at other metros. But now different states are coming forward to offer incentives to the budding filmmakers. Talent which is there all over the country, I think it needs a platform to exhibit. I think this association which we have now developed will be very helpful to showcase the Indian talent all over the world. राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को आज उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा है कि देश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए सावरकर के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वीर सावरकर साहस, देशभक्ति और मजबूत भारत के प्रति अटूट आस्था के प्रतीक थे, जिन्होंने अनेक लोगों को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि देश के लिए उनका योगदान भावी पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अनेक राजनीतिक नेताओं ने वीर सावरकर की जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन, विजय गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, सुब्रमण्यम स्वामी और अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अजय भट्ट का देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जौलीग्रांट हवाई अड्डे से शुरू हुआ अजय भट्ट का विजय जुलूस डोईवाला रिस्पना पुल होते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंचा। अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और जनता की जीत है। मीडिया से बात करते हुए श्री भट्ट ने कहा कि वो प्राथमिकता के आधार पर नैनीताल उधमसिंह नगर के विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध बनना, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था में सुधार, पंतनगर हवाई अड्डे को और बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहां पर जमरानी बांध बनना है, HMT बंद हुई है, उसको कैसे हम पुनरुद्धार करें, वहां मेडिकल कॉलेज को वेल इक्विप्ड करना है, कैथ लैब तक वहाँ पर नहीं है, पंतनगर हवाई अड्डे का सुदृढ़ीकरण करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी उधम सिंह नगर में हमारे बहुत बड़े डैम्स हैं, उनको कैसे हम पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका एक रोड मैप मैंने बनाया हुआ है किस तरह से जो जाम लग रहे हैं सड़कों पर तो बाज़ारों से बाहर कैसे सड़कों को निकाला जाए और जाम से बचाया जाए, और केंद्र की योजनाएं जो माताओं बहनों के लिए बनी है वो निचले स्तर तक कैसे लाई जाएं। पूरे प्रदेश भर में हम सभी सांसद और युवाओं के लिए जो विशेषकर बेरोजगारी के लिए काम किए हैं वो बेरोजगारी के काम निचले स्तर तक जाके कैसे बेरोजगारी दूर की जाए, ये सब समन्वित रूप से हम काम करेंगे। केदारनाथ में हवाई सेवा के लिए पर्यटन विभाग ने अब GMVN के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। इससे देश विदेश से केदारनाथ दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने हेली सेवा संचालकों को टिकटों की कालाबाजारी करने वालों को सीधे गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। हेली सेवाओं के लिए GMVN के माध्यम से यात्री आसानी से वेब पोर्टल heliservices.uk.gov.in के माध्यम से हेली सेवा का टिकट आसानी से कर सकेंगे। जिलाधिकारी मंगेश खिल्डियाल ने केदारनाथ यात्रा में सेवाएं दे रही 9 हेली सेवा कंपनियों के प्रबंधकों की बैठक ली। GMVN की ओर से बुक किए जा रहे यात्रियों के टिकट में QR कोड दिया जा रहा है जिसको हेली कंपनियां स्कैन करने के बाद टिकट जारी करती हैं। साथ ही हेली सेवा देने वाली कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।
पर्यटन विकास परिषद ने आए पवित्र केदारनाथ धाम फोटो खींचे और पाई इनाम प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता के विजेता को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है। परिषद की वेबसाइट www.uttarakhandtourism.gov.in पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है। परिषद के मीडिया प्रभारी कमल किशोर जोशी ने बताया कि प्रतियोगिता 6 श्रेणियों में होगी। प्रतिभागी केदारनाथ धाम की सुंदरता की फोटो के साथ ही श्रद्धालुओं की फोटो भेज सकते हैं। प्रथम स्थान पर आने वाले को 51,000, दूसरा स्थान हासिल करने वाले को 21,000 और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये प्रतियोगिता पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए की जा रही है। मॉनसून सत्र को देखते हुए प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के दौरान त्वरित कार्रवाई किए जाने को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम यानी IRS पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में IRS विशेषज्ञ BB गणनायक ने अधिकारियों को किसी आपदा के गठित होने पर IRS में विभागों अधिकारियों की भूमिका को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सिस्टम किसी एक अधिकारी या विभाग से नहीं चलता, बल्कि यह सिस्टम सामूहिक रूप से चलता है। इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। इस सिस्टम की सफलता से काम करने का सबसे पहला सिद्धांत ही आपसी समन्वय है। आपदा के गठित होने पर उसका डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक होगा। इस मृतकों और घायलों का सही डेटा मिलता है। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगई ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में गठित घटनाओं का अध्ययन करें और उस दौरान किए गए बचाव कार्यों के आधार पर कार्य योजना तैयार करें। आगे मानसून आ रहा है तो मानसून को लेकर के जो प्रिपेयर्डनेस है हमारा, और अगर मानसून में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, पूरा सरकारी तंत्र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से आगे काम करेगा, किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा और इसका कोऑर्डिनेशन कैसे करेगा। सारे के सारे डिपार्टमेंट में जितने भी हमारा अधिकारी है सबका रोल क्लैरिटी हो रहा है। ऑलरेडी ये टीम हम लोगों ने गठित कर चुके हैं, ये ओरिएंटेशन हो रहा है ताकि मानसून में अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा कंफ्यूजन ना हो और एक सिस्टमेटिक तरीके से उस डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करें। बागेश्वर जिले के अमस्यारी कोट गांव में खेत में धान की रोपाई कर रहे ग्रामीणों को बिजली का करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे में एक बैल की भी मौके पर ही मौत हो गई। अमस्यारी कोट गांव के किसान खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे। इस दौरान खेत में लगे ट्रांसफार्मर में करंट दौड़ गया। करंट से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां गीता देवी की मौत हो गई। दो घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि ऊर्जा निगम से लगातार ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए कहा गया, विभाग ने ठेके पर रखे कर्मियों को ठीक करने के लिए भेज दिया। कर्मचारी आए और बगैर कुछ किए ही उच्च अधिकारियों को ट्रांसफार्मर ठीक होने की सूचना भेज दी, जिस कारण बड़ा हादसा हो गया। साल की तरह अब के साल भी पानी डाल के हम लोग रुबाई की तरह उसको खेत को तैयार करते हैं, उसके बाद धान बोते हैं। तो वह खेत में बैल जोते हुए थे, जिसमें कि एक बैल भी गया और जो है एक कैजुअल्टी हो चुकी है, दो अभी यहाँ सीरियस हालत में। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको ये अवार्ड नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी की ओर से दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिले इस राष्ट्रीय सम्मान को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए पुरस्कार और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया। धन सिंह रावत ने कहा कि वो लगातार उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है जो दुनिया में कहीं भी रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में एकता और अखंडता के लिए काम करती है। सोसाइटी में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली और उच्च सम्मानित भारतीय अर्थशास्त्री, पत्रकार, समाजवादी, उद्योगपति, इंजीनियरिंग विशेषज्ञ, संसद के सदस्य और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा में समर कैंप का आयोजन किया गया। समर कैंप में देहरादून जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों को खेलों के साथ ही चित्रकारी और अन्य तरह के रचनात्मक कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया गया। अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक सीमा जौनसारी ने बताया कि इस समर कैंप में खासकर उन बच्चों को शामिल किया गया था जो झुग्गी झोपड़ियों
और गरीब बस्तियों में रहते हैं। कैंप में विभिन्न सामाजिक संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बच्चों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कैंप के दौरान विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को कैंप के समापन अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। समर कैंप आयोजन पर सीमैट के निदेशक शशि चौधरी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि इस तरह से कार्यक्रम बच्चों को रचनात्मक बनाते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल की उप समिति ने लिया बड़ा फैसला। सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाएंगे नायब तहसीलदार के 50-50% पद। राजस्व उप निरीक्षक संग्रह अमीन और कानूनगो को भी मिलेगा लाभ। पौड़ी में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 5 साल से अनुपस्थित चल रहे 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त। अन्य अनुपस्थित शिक्षकों पर भी गिर सकती है गाज। केदारनाथ हवाई सेवा के लिए जीएमवीएन के वेब पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू। पर्यटन परिषद करा रहा फोटो प्रतियोगिता। विजेता को मिलेगा 50,000 का नकद पुरस्कार। और मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर टिहरी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। आपदा प्रबंधन को लेकर दी जाएगी जानकारी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को कारगर बनाने पर जोर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।